माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं ये सप्तमी वाला लुक दिखाने जा रही हूँ और ये एक गेट रेडी विद मी है। मैं कुछ सिखा नहीं रही, मैंने कैसे ये लुक क्रिएट किया है मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी। और मैं बस रेडी होंगी और आप देखना मैं कैसे रेडी होती हूँ। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट के नाम नहीं बताऊंगी और आप बस देखते रहना मैं इस लुक को जल्दी जल्दी कैसे क्रिएट करती हूँ। और चलते हैं, देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। बेस के लिए मैंने ले लिया है नायका का स्किन शील फाउंडेशन और इसको अब मैं अपने हैंड के बैक पे लेकर छोटे छोटे डॉट डॉट की मदद से अपने पूरे फेस पे फैला लूंगी। छोटे छोटे डॉट डॉट की मदद से फेस पे फैलाने से आपका ब्लेंडिंग बहुत ईजी हो जाता है और सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। इसे थोड़ा सा लेके मैं अपने नेक पे भी फैला लूँगी क्योंकि नेक और फेस का स्किन सेम लगना चाहिए। और अब मैंने ले लिया है ब्लेंडिंग ब्रश और उसकी सहायता से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये माय स्किन बट बेटर लगे देखने में। और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मेरा घर काफ़ी फैला हुआ रखा है क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मुझे रोज़ चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सॉरी। और अब मैंने ले लिया है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैंने ये ब्लू शेड उठाया है जो बिल्कुल मैट है और इसको मैं आउटर वी पे प्लेस करूँगी और वो भी मैं दोनों आँखों में करूँगी। पहले मैंने एक आईज पे स्टार्ट किया है, वो मैं हाफ ऑफ द आईज तक ले जाऊँगी। अब मैंने ये दूसरी आईज पे भी वही किया है, आउटर वी पे पहले प्लेस करूँगी इसको और फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि ये आँखों का शेप ले ले। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, कहीं हार्श लाइंस नज़र नहीं आने चाहिए, काफ़ी ब्लेंडेड सा लगना चाहिए। और आज आपको मैं बहुत ही इजी आई शेडो लुक करने वाली हूँ जहाँ जो आप घर पे कर सकते हैं, पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने ले लिया ये ब्लू शिमर शेड और इस शिमर शेड को मैं आईलिड पे और इनर कॉर्नर्स पे इनर हाफ पे लगा लूँगी और इसको अच्छे से पैक करने के बाद उसके बाद हार्श एजेस हटाने हैं ताकि ये सीमलेसली ब्लेंडेड लगे और आपकी आँख का शेप ले ले। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, देखिए कैसे ग्रेडेशन सा दिख रहा है मेरी आँखों में। देख, अब मैं ये दूसरी आँख पे करूँगी। इसको पहले पैक करना है क्योंकि ये शिमर शेड है, पहले इसे पैक करेंगे फिर इसको हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे आउटर एजेस। और ये देखिए मेरी दोनों आँखें ऑलमोस्ट डन हो रही हैं। और मैंने यहाँ पे पतला वाला ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है जो ज़्यादा फैला ना दे। और अब मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड लिया है, आप कोई भी गोल्डन शेड ले सकते हैं और आई शेडो पैलेट भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब ये मैं एकदम मिडल ऑफ़ द लिड में लगा रही हूँ। इस गोल्डन शेड को सिर्फ मिडल ऑफ़ द लिड पे प्लेस करना है, बिल्कुल साइड्स पे नहीं जाना है और इसको हल्के से राउंड शेप में आई बॉल के ऊपर प्लेस कर देना है। मैं इसको उंगली की सहायता से कर रही हूँ क्योंकि ये उंगली की सहायता से अच्छा पिगमेंटेशन देता है। तो सिमिलरली ये मैं दूसरी आँख में भी कर लूँगी, दूसरी आँख में भी अपनी उंगली की सहायता से एकदम मिडल ऑफ द लिड पे प्लेस कर लूँगी और राउंड सा शेप सा दे दूँगी। और ये देखिए मेरे मन मुताबिक रिजल्ट आ गया। और अब बारी है आईलाइनर की। आईलाइनर में थोड़ा विंग लगाना पसंद करती हूँ हर आई लुक के साथ जो मेरे पे सूट करता है। आप चाहे तो नॉर्मल शेप में आईलाइनर लगा सकते हैं बट मैं इसमें थोड़ा विंग निकाल रही हूँ जो मेरे सप्तमी लुक को थोड़ा ज़्यादा एनहेंस कर देगा। और ये देखिए मैं धीरे धीरे लगाती हूँ ताकि इसका शेप बना रहे और फैले ना। अब मैं यूज़ करूँगी काजल पेंसिल ताकि मेरे आईज़ को डेप्थ मिल जाए, मेरी आँखें फीकी फीकी ना लगे। इसको मैं अपने आईज़ के लोअर वाटर लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि आँखों को अच्छा डेप्थ मिल जाए। ये देखिए, और ये मैंने शेप दे लिया है, देखिए कैसा लग रहा है। और अब बारी है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने आईब्रोज़ ना कर रखा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके आईब्रोज स्टैंड आउट होनी चाहिए तभी आपका आई लुक अच्छा लगेगा। तो
तो मैं जस्ट फिल कर ले रही हूँ आईब्रो पाउडर से। मैंने इन कलर का आईब्रो पाउडर यूज़ किया है और इससे जस्ट फिल कर ले रही हूँ अपना आईब्रोज। आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं अपने आईब्रोज, मैंने जस्ट फिल कर लिया है नेचुरल लुक देने के लिए। और अब मैं थोड़ा ब्रॉन्ज कर लूँगी अपने स्किन को, मैंने कॉन्टोर नहीं किया है, जस्ट ब्रॉन्ज अप करके अपना फेस थोड़ा शेप में ला दूंगी, अपने शेडो वाले रीजन्स पे ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने अपने शेडोड एरियाज में कैसे ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया है और अच्छे से मैं अपना फेस को शेप दे रही हूँ और चिजल्ड आउट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लोअर फेस पे थोड़ा बहुत फैट है जो मैं छिपाने की कोशिश करती हूँ हर बार। तो ये देखिए कैसा लग रहा है देखकर। अब बारी है ब्लश की, तो मैंने एक ब्लश पिंक कलर का ब्लश लिया है और इसको मैं अच्छे से अपने चीक्स पे लगा लूँगी अपर डायरेक्शन में। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है और मैं थोड़ा ज़्यादा करके लगा रही हूँ ताकि फ्लश पिंक लुक लगे मेरे फेस पे और मेरा फेस थोड़ा लाइवली लुक दे। अब नाक पे और चिन पे भी लगा लिया है मैंने। अब मैंने ले लिया है क्लिनिक का पॉप लिपस्टिक, पॉप कलर वाला लिपस्टिक जो होता है, और ये न्यूडिश पिंक शेड में है और ये मैं लगा रही हूँ बिल्कुल लिप्स के शेप में। मैं इस बार लिप्स को लाइन नहीं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर मेकअप में मैं लिप्स को लाइन करूं। इस बार मैं थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए अपने लिप्स को सिंपली फिलअप कर रही हूं। तो देखिए कितना नेचुरल और ओवर नहीं लग रहा है, स्टिल ट्रेडिशनल लग रहा है मेरा लुक। तो देखिए यही है मेरा फाइनल आउटकम। और ये मैंने पेयर किया है कुछ एक्सेसरीज के साथ, जैसे ये पर्ल वाले झुमके हो गए हैं, ये मेरा हेयर पीस हो गया है। सो आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा आउटकम रहा। तो गाइस, ये मेरा लुक कैसा लगा आपको, डू कमेंट मी डाउन और मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा ये सप्तमी का लुक कैसा लगा। और मैं जा रही हूँ पूजा घूमने और बहुत मस्ती करूंगी, मजे करूंगी। आप भी मजे करिए इस दुर्गा पूजा और देखते रहिए मेरा चैनल। और टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ग्लैमरस।